साइन कौन किया था? साइन तो मेरे जो है भाई है, तो उनको उनको भी मालूम था ना बात के मुझे भी जो कोई कदम उठाते थे नहीं ना, ये क्यों कह रहे हैं कि विशेष के देना है साइन, जब तुमने किया तो तुम्हारी देना मतलब वो उपाय रह गए, इतना टाइम लगा क्या कर रहे उनसे उनका कहना मत रहिए, वो है वो भी मतलब आहत हो गई, वो भी आहत हो गई तो किसी की चट्टी उतार लोगे तुम्हारी मिसेज नहीं उठा पाए, कोई नहीं किसी को नहीं उठा सकते, जो हम उन्होंने उनके रिलेशन जो वकील साहब थे उन्होंने जो कहा हमारे सवाल का जवाब नहीं है, सवाल वकील साहब क्या किए क्या नहीं हम वकील साहब को नहीं जानते, हम तो साइन करने वाले को जानते हैं, हम तो तुमसे पूछ रहे हैं वकील साहब वकीलाइन और जो है साड़ू सड़वाइन हम ये सब बात हम तुम जी जी समय बर्बाद हुआ है तो वही तो हम कह रहे हैं, मुझसे आपसे कोई जाति दुश्मनी दे रहा है, जाति दुश्मनी मत करना हमसे, हम बता रहे हैं तुमसे नहीं, हम क्या कह रहे ना भी मत सपने में भी मत सोचो, साहब मतलब बोल रहे हैं उस हिसाब से ऐसे ही लग रहा है, नहीं नहीं ऐसे ही नहीं लग रहा है, पहले तुमने कंकर देखा क्या काम कर रहे टीचर तुमने करिए ठीक है, मेरा मेरा 7 महीने का समय बर्बाद हो गया, मैं कोई नया खाता धारक नहीं पुराना खाता धारक हूँ, सब कुछ सर्वे होने के बावजूद मेरा 2500 रुपया चला गया पानी में चला गया, उसका जिम्मेदार कोई, यदि इसके पीछे मेरे परिवार के साथ कोई घटना घट जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? बैंक मैनेजर साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, देखो तुम्हारे परिवार का मैं फाइल रखी हुई है तुम्हारा, सुनो तुम पुराने खातेदार हो तो लोन लेने का तुम्हारा इससे अधिकार बन जाता है क्या कि तुम लोन लेना ही है, जिसका जिसका खाता है सब लोन लेगा, नहीं हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे, तो आप फिर तो कम्प्लेन भाई कब देखिए रिश्वत लेने की कम्प्लेन का सवाल तुमने कैसे लगा जी ये बताओ, मैं इतना आहत हो चुका था इसीलिए मैंने उलझन में टेंशन में था मैं रहता लगा दिया, अच्छा तो टेंशन में हो गए तो तुम गोली चला दो, काहे गोली चला दो नहीं क्या ये गोली ही है, ये गोली है चली नहीं लगी गोली, नहीं गोली नहीं चला दी तुम्हारे कितने मांगा है ये बताओ कितने मांगा एकदम महा बकलोल आदमी हो तुम एक नंबर के, ये बैठ के ना दाल चावल और ये बेचने से बुद्धि नहीं आ जाती, मैनेजर साहब मैं 2 मिनट आपसे
मिनट बात करना चाहता हूँ, कम से कम भाषा शैली आप ये भी समझिए सर, भाषा शैली हमारी बहुत अच्छी है ऐसे लोगों को। सुनिए सुनिए, ये जो कह रहे हैं जैसे आपने हाथ हो गया आरोप लगा दिया, इन्होंने कहा आपने कहा कि ये वो आपकी वाइफ सबकी चड्डी उतार रही है, ठीक है आपने ये कहा, लेकिन आपने इस भाषा का उपयोग किया कि अगर उनकी चड्डी उतार दी जाए। आप क्यों नहीं बोल सकते हैं महिला की चड्डी उतारेंगे आप? एक मिनट पत्रकार साहब उसे बात करिए, समझ रहे हैं ना, वो सबकी महिला पुलिस की उतार दे, महिला की कोई नहीं उतारे, महिला को हक किसने दिया है, किस संविधान ने हक दिया है कि वो सबकी चड्डी उतार दे, वो आप समर्थन कर रहे हैं? वो कह रही है नहीं, हमें गलत चीज कर नहीं, यही कहें नहीं कि मेरी बीवी ने नहीं, मैं वो चीज कर नहीं, मैंने गलत चीज कर सकती है, मैं गलत चीज की बोली, ये गलत बोले शुरुआत की है, मैं तो उसका केवल जवाब दिया, आपने कहा कि मैं चड्डी उतार दूं, गलत बोला है क्या था उन्होंने कहा, उन्होंने क्या यही तो किया ना उन्होंने, हाँ। कि मेरी बीवी ने वकील से मिल के और करवा दिया, और ये जो है अंधे हैं ये कि साइन कर रहे हैं, मैं ये चित्र लेकिन निश्चित भी गलत बोला गया कि महिला छाप दीजिए पेपर में, जाइए छाप दीजिए और दिखा दीजिएगा, समझ गए ना आप, उतना ही बोलिए जितना बोल सकते हैं और वही करिए, बहुत देखे हुए हैं ऐसे पत्रकार और बहुत देखे हैं ऐसी कंप्लेन, समझ गए ना, जाइए छाप दीजिएगा, हम प्रेस ब्यूरो को भी हम जवाब दे लेंगे, ब्यूरो मैं हूँ, ब्यूरो है ब्यूरो आप है ना, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया आप नहीं, समझ गए ना आप, ये बोल रहे हैं कि